हर खबर में लिखते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं। मध्य प्रदेश का हृदय अंचल, शांति का टापू छिंदवाड़ा, जिसे कहने में हमें गर्व महसूस होता है, लेकिन जो खबर हम दिखाने जा रहे हैं, वह न सिर्फ हमारे गर्व को धूमिल करता है, बल्कि हमारे जिले नगर की खबर से न सिर्फ जिला, देश प्रदेश, बल्कि संपूर्ण मानवता शर्मसार करता है। कुछ इसी तरह की शर्मसार कर देने वाली घटना हमारे जिला मुख्यालय में सामने आई है, जहां 5 वर्षीय बालिका की दरिंदों द्वारा अस्मत लूटी गई। हालांकि इस मामले में पुलिस ने सिर्फ त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच पूर्ण की, बल्कि आरोपियों को कटघरे में पहुंचाने में सफलता हासिल की है, जिन पर बलात्कार 376 सहित पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। ऐसे दरिंदे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में पुलिस ने सफलता तो हासिल कर ली है, किंतु बड़ा सवाल यह है, क्या ऐसी दरिंदगी रुक पाएगी? समाज में ऐसे विकृत मानसिक लोगों पर लगाम लग पाएगी? अगर हाँ, तो शायद हम एक अच्छे समाज, एक अच्छे परिवार, एक अच्छे इंसान की परिकल्पना कर सकते हैं, वरना हम कह सकते हैं हम पाषाण युग की तरफ वापसी कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के धर्म टेकरी में एक नाबालिग के साथ बलात्कार हुआ और पुलिस 2 दिन तक इस केस को दबा के रखी। ये 16 फरवरी को एक बच्ची, नाबालिग बच्ची, अपनी माँ के साथ हमारे यहाँ वन स्टॉप सेंटर में आई हुई थी और 17 की सुबह उस छोटी बच्ची ने ड्यूटी कांस्टेबल को अपने साथ किसी संदेहास्पद घटना की सूचना दी, जिसपे उस कांस्टेबल ने उस बच्ची और उसकी माँ को लेकर तुरंत महिला थाना पहुँची। 17 के दिनांक को ही उस बच्ची के बयान हुए, मेडिकल हुआ और इसके आधार पे FIR करके 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। ये बच्ची की स्थिति क्या है? बच्ची पूर्णतः स्वस्थ है, अपनी माँ के साथ है और अच्छी देखरेख में। क्या घटनाक्रम? कितने लोग थे, कितने लोगों ने किए, कहाँ गए थे, कैसे बच्ची? घटनाक्रम ये है कि ये बच्ची और इसकी माँ, ये लोगों का कोई इस शहर में रहने की जगह नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये किसी बाहर दूसरे शहर से आके यहाँ रुक रहे थे। ये लोग लगभग 1 महीने से शहर के विभिन्न विभिन्न स्थानों पर रात में रुक रहे, अपना जीवन यापन भीख मांग के कर रहे थे। जो घटना पुलिस ने जिस पे कार्रवाई की, FIR की है, वो 13-2 की समझ में आ रही है, जिसमें साक्ष्यों के माध्यम से, पूछताछ से और वीडियो फुटेज के माध्यम से 2 आरोपियों का होना पता चल रहा है और पुलिस ने उसी के आधार पर कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार किया। छिंदवाड़ा से कृष्ण भट्ट की रिपोर्ट।